दोस्तों आज के ज़माने को देखते हुए ना एक बहुत अच्छी टैगलाइन बनी है कि जो दिखता है वो बिकता है। जाहिर सी बात है, हम जो देखते हैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा हम कई बार इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और लगता है यार ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन जब जेब में हाथ लगाते हैं तो लगता है यार इतनी जेब ढीली करनी तो हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे में एक चीज़ है जो लड़कियों की अगर मैं खास तौर पर बात करूँ तो लड़कियाँ उस चीज़ से बहुत इत्तेफाक रखेंगी, इंटीमेशन ज्वेलरी। जी हाँ, इंटीमेशन यानी कि सोने की कोई चीज़ आपने देख ली, हीरे की देख ली या कोई भी देख ली, उसकी नकल करके आर्टिफिशियल चीज़ बनाना उससे बेहद कम दामों में। तो इंटीमेशन ज्वेलरी के बिज़नेस के बारे में आज मैं आपको आइडिया दूंगी और ख़ास तौर पर महिलाएं इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोच सकती हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है महिलाओं का और उनको फैशन ट्रेंड इन सब चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा बातें पता होंगी। और वैसे ऐसी बात नहीं है, मेन को भी पता होती है, सिर्फ लेडीज़ का ही नहीं है। तो आप इस बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं। इस बिज़नेस से जुड़े तमाम पहलू आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि किस तरह की वीडियो आपको और देखने हैं बिज़नेस से लेकर, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा और हाँ हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कैसे शुरू करें इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस? इस बिजनेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, छोटे से शॉप से या फिर ऑनलाइन। वैसे इसके लिए ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन बिजनेस मिनिमम 10,000 के खर्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। होलसेल के लिए दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात के व्यापारियों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा होलसेल मार्केट है। होलसेल में कॉन्टैक्ट करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको 30-40% का मार्जिन मिल जाता है। जितना ज्यादा मार्जिन होता है उतना ही प्रॉफिट का अंतर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसलिए भी सबसे अच्छा जरिया है क्योंकि ज्यादातर इमिटेशन ज्वेलरी ऑनलाइन ही बिकती है। किस तरह के प्रोडक्ट सिलेक्ट करें? इमिटेशन ज्वेलरी की सबसे अधिक डिमांड महिलाओं में होती है, तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स का निर्माण करें और उसको बेचें। सेमी प्रेशियस स्टोन, टाइटेनियम, स्टील और निकल से बने प्रोडक्ट्स महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आभूषण हैं। इसके अलावा मार्केट रिसर्च करके भी पता कर सकते हैं कि डिमांड में कौन सा प्रोडक्ट है, फिर उन प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रोडक्ट बनाएं और बेचें। प्रोडक्ट्स को सही कीमत पर बेचें। ज्यादा कीमत पर बेचने की स्थिति में सेलिंग में कमी आएगी, इसलिए पहले अन्य पोर्टल्स और वेबसाइट पर कीमत देख लें, उसके बाद ही अपनी कॉस्टिंग और लागत का कैलकुलेशन कर अपने प्रोडक्ट की कीमत रखें। रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम, जो कि ब्रांड होता है, जिससे सुनते ही लोग जान जाते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। इस काम को घर से शुरू करने के बाद अपने नाम को ब्रांड बनाने की दिशा में काम करें। इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्रेडमार्क लें, जिससे आने वाले समय में आपको सारी सुविधाएं मिलें और बिना किसी परेशानी के आपका बिजनेस आसानी से चल सके। रेडीमेड गहने का कलेक्शन रखें। जी हाँ, रेडीमेड गहने का कलेक्शन जरूर रखें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि जितना आपको अभी तक बताया आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। इमिटेशन बिजनेस को कोई भी शुरू कर सकता है, बशर्ते उसे आर्ट और क्राफ्ट में रुचि हो, लेकिन अकेले निर्माण करने की स्थिति में स्टॉक फुल रख पाना मुश्किल होता है। स्टॉक कंप्लीट करने के लिए श्रम शक्ति बढ़ाना होगा, यानी कि कुछ कारीगर काम पर रखने होंगे जो इन कामों में आपकी सहायता करें। अगर आपका बजट कम है तो इसके लिए बने बनाए रेडीमेड गहने का कलेक्शन रख सकते हैं। बिजनेस को जल्द से जल्द कर उसे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। बिजनेस कैसे बढ़ाएं? बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लें। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं, जहां अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। सोशल मीडिया में अपने ब्रांड का पेज या अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चालू करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसकी रीच ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कोई ऑफर दे सकते हैं, इस प्रकार के ऑफर दे जिससे डायरेक्ट डिस्काउंट, इनडायरेक्ट डिस्काउंट, हर खरीदी पर एक रिवॉर्ड और अन्य शामिल हो। अगर मीडिएटर के ऊपर नहीं खर्च करना चाहते तो खुद का वेबसाइट और ऐप बना सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते वक्त इमेज की क्वालिटी हाई रखें, सभी जानकारी सही दें, जिसमें पैसे, इस प्रोडक्ट का विवरण और कितने दिन तक डिलीवरी होगी शामिल हो। स्टोर पर बुलाने के लिए ऑफर कोड दे सकते हैं कि शॉप पर आकर खरीदी करने पर इतने प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा पूरे बिल का। यूजर को एंगेज रखने के लिए बिना समय गवाए उनके आई रिव्यू क्वेरी पे कमेंट करना ना भूलें। यूजर की समस्या का समाधान करने से और उनको गाइड करने पर यूजर का आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। अगर एक दो प्रोडक्ट में कोई खराबी आ जाती है तो बिना किसी परेशानी के उसको बदल दें, ताकि ग्राहक अन्य ग्राहक को भी आपके बारे में बताए और आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे। समय समय पर क्लाइंट को व्यक्तिगत ऑफर बनाकर भेजें। ग्रुप बनाकर सभी क्लाइंट्स को जोड़कर रख सकते हैं। इसके लिए फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रमोशन की जानकारी ना होने की स्थिति में किसी एजेंसी की या फिर किसी डिजिटल मार्केटर की मदद ले सकते हैं।
क्राफ्ट मेले में प्रदर्शनी लगाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ज्वेलरी प्रदर्शनी लगाकर जिसे लोगों को बुलाकर अपने काम को दिखा सकते हैं। जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, जहां पर महिलाओं से संबंधित सामान मिलता हो वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। उसके लिए आप दुकान वाले को क्या ऑफर करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। इमिटेशन ज्वेलरी के बिजनेस में कम लागत में ज्यादा इनकम कमा सकते हैं और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितनी भी लागत लगती है उसका 25-30% तक का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए इमिटेशन ज्वेलरी का कोर्स भी कर सकते हैं। इसमें करियर बनाना आसान है, लेकिन उसके लिए इस क्षेत्र में रुचि होना बेहद जरूरी। एक बार ज्वेलरी बनाना सीख लेने के बाद बाजार से किट लाकर खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना आसान हो जाता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।